हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फन जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल नॉलेज एंड फन जंक्शन आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया अपडेट लेके आता है और सबसे पहले लेके आता है, तो बात करेंगे एचएसएससी के बारे में, जो कि उन्होंने अभी दो नोटिस जारी किए हैं। उन नोटिस के बारे में आपको बनाना चाहूँगा। यह अखबार के अंदर आया है, न्यूज़पेपर के अंदर है। आप देख सकते हैं मेरे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रस्तुतिकरण हेतु पुण्य सक्रियण। कहने का मतलब क्या है कि आप 11/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर की जो वैकेंसियाँ थी उसे आप दोबारा से भर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने URL भी दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये वैकेंसियाँ थी UHBVNL, DHBVNL एंड AHBVNL। हरियाणा के विभिन्न पदों पर आमंत्रित किया गया था। आप देख सकते हैं इसका पहले जो डेट दी गई थी वो दी गई थी 10/7 से 25/7 तक आपने इसे भरना था। आवेदन पत्र मांगे गए थे, जो लोग इसे नहीं भर पाए थे वो इसे दोबारा भर सकते हैं। इस लिंक को दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 11/2019 और इससे जुड़े शुद्धि पत्र के संदर्भ में, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, और HSSC की वेबसाइट जो कि www.hssc.gov.in पर उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन 10/7 से 25/7/2019 तक URL पता जो कि आपके सामने ये URL नंबर है, और इस डिपार्टमेंट की वैकेंसियां थी HPNL, UHBNL और DHBNL। तो इससे रिलेटेड आपको ये इन्होंने नोटिस दिया है। इस नोटिस के मुताबिक जिन लोगों ने इसको भर नहीं पाए थे, इनको भरने का दोबारा से अप्लाई करने का दोबारा से मौका दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27/1/2020 से 3/2/2020 तक यह विज्ञापन संख्या 11/2019 में आप दोबारा से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और, 6/2/2020 तक आप इसकी जो फीस है वो कटवा सकते हैं। तो देखिए यह 22 तारीख को यह जो नोटिस है यह इशू हुआ है, और इसमें एक चीज़ और मेंशन कर दी कि जो बाकी की शर्तें रहेंगी वो सेम रहेंगी। तो ये तो है विज्ञापन संख्या 11/2019 के बारे में। अब दूसरी न्यूज़ आपको दूंगा, एक नोटिस और निकाला है इन्होंने आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए 15/2019। यहाँ पर भी इन्होंने जो एजुकेशन है उसके बारे में इन्होंने कहा है। आप देख सकते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियाँ थी MPHW फीमेल के 565 पद थे, इन्होंने यहाँ पर एजुकेशन में थोड़ा सा बदलाव किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 565 पद हैं और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 15/2019 था, और 7/7/2019 को यह वैकेंसी निकाली गई थी। और इसके लिए अलग से एक पोर्टल भी बनाया गया था, उस पोर्टल के ऊपर सभी ने इसको अप्लाई किया था। तो इसकी जो एजुकेशन है, इसकी जो ई क्या उहार है, इसेंशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, वो चेंज कर दी गई है कैटेगरी नंबर 4 और कैटेगरी नंबर 8 के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 20 के लिए, और इसको आप दोबारा से भर सकते हैं। बताना चाहूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं 27/1/2020 से लेके 3
2022 तक यह ऑनलाइन दोबारा से भरे जा सकते हैं एचएसएससी की वेबसाइट के ऊपर। तो 6/2/2020 तक आप इसको इसकी जो फीस है वो कटवा सकते हैं, और यह नोटिस 21 जनवरी 2020 को लागू निकाला गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा शुद्धिकरण किया गया है, कोरिजेंडम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये नोटिस। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। ये नोटिस मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।